व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के साथ में, क्योंकि एक न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है जिसको बताने के लिए मैं काफी उत्सुक हूँ। तो इसीलिए आज का लेक्चर हम लोग इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में आपका क्विज होगा और इसके बाद में डिटेल में हमारा टोटल डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये लेक्चर जिसमें आप लोग ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल और इसी के साथ में पीआईबी कवर करते हैं, तो इसको कंप्लीट पैकेज को आप लोग नैनो मैगजीन बोलते हैं। तो आइए आज की नैनो मैगजीन स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ में। ये जो न्यूज है, ये सबसे पहली न्यूज, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए और एक खुशखबरी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। जो भी उन्नाव रेप केस अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला, अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि यह केस जो है अब यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश से बाहर इसको दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया कंप्लीट केस को। तो यह काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जिस एरिया में यह केस था उस एरिया में अगर लोकल एरिया में ही यहां पर यह केस चलता रहता तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन होने के चांसेस काफी ज्यादा थे, क्योंकि हो सकता था कि यहां पर जज को सप्रेस किया जाता। नेक्स्ट बात की गई यहां पर 7 दिन के अंदर अंदर इतना फास्ट ट्रैक तरीके से कोई नॉर्मली केस नहीं देखने को मिलता है। सीबीआई को बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सारा जो प्रोब यहां पर वो कंप्लीट करे 7 दिन के अंदर अंदर, और इसी के बाद में 45 दिन के अंदर अंदर यहां पर ये जो केस है इसको निपटारा जाएगा। ये बात बोली गई हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी के द्वारा। इसी के साथ में जो अच्छी बात यहां पर एक और आप लोगों को देखने को मिली वो ये है कि जो यहां पर डे टू डे हियरिंग चलेगी, यानी कि ऐसा नहीं है यहां पर कोई डिले रहेगा, जल्दी से जल्दी केस को निपटारा किया जाएगा। और एक और अच्छी बात यहां पर यह है कि जो भी यहां पर अब तक ये रेप सर्वाइवर है इसको 25 लाख रुपए देने की बात की गई है, और इसी के साथ में जो वकील है इतने जद्दोजहद से यहां पर इनके साथ में खड़े हुए हैं उसको 20 लाख रुपए देने की बात की है, क्योंकि रिसेंटली जब अभी एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट में यहां पर इनकी जान जरा जरा सी बच गई। बाकी 4 मेंबर थे यहां पर, 2 की डेथ हो गई उसमें और इन 2 की जान वहां पर बच गई। फादर की डेथ ऑलरेडी यहां पर हो चुकी है, कई सारे फैमिली मेंबर की जान यहां पर जा चुकी है। तो देखिए कंडीशन वैसे काफी खराब है, पर लेकिन यहां से हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि फादर वापसी आ जाएंगे, पर लेकिन हां अब ये और इनकी मदर जो है थोड़ा एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से लाइफ को थोड़ा जीने में थोड़ी सहूलियत होगी एज कंपेयर टू अगर पहले के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं। और ये सारा कंपनसेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यहां पर लॉ एंड ऑर्डर में कोताही बरती गई है। इसी के साथ में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की भी बात की गई है यहां पर इनके लिए। तो काफी अच्छी ये न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, बाकी इसके बारे में जो डिटेल में न्यूज थी ये मैंने इस वीडियो भी आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई थी, और डिटेल में जानना चाहते हैं कुछ और एक्स्ट्रा इसके बारे में तो आप लोग ये देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में जानते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है पृथ्वी शो के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, काफी अच्छे इनके द्वारा रिकॉर्ड बनाए गए, पर लेकिन अभी ये जो यहां पर है ये गलत न्यूज की वजह से यहां पर न्यूज में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। गलत न्यूज यहां पर क्या है, गलत न्यूज यहां पर यह है कि इनके ऊपर डोपिंग के चार्ज लग गए हैं, और बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा 15 नवंबर 2019 तक का इनके ऊपर यहां पर अभी जो बेसिकली जो वोलेशन के चार्ज होते हैं वो लगा दिए गए हैं, यानी कि ये फिलहाल अभी यहां पर खेल नहीं पाएंगे, इनको अभी खेलने से रोक दिया गया है। तो ये एक तरीके से काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जो वाडा बोलते हैं यहां पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके हिसाब से यहां पर जो सब्सटेंस इनके द्वारा लिया गया है इसको बोला जा रहा है टिरब्यूटलाइन, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है यहां पर ये प्रोहिबिटेड है, यानी कि ये लेना नहीं होता है, पर लेकिन इनके द्वारा ये सब्सटेंस लिया गया, तो इसी के चलते ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो आप लोगों को यहां पर वाडा के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वाडा जो थी ये 10 नवंबर 1999 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी डोपिंग यानी कि कोई भी नशीले पदार्थ गेम में यूज न हो और गेम जो है वो अच्छे से सब लोग एंजॉय कर सके उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर इसको देखा जाता है। इसको आज की डेट में 2 लैंग्वेज यहां पर यूज होती है, इंग्लिश और यहां पर फ्रेंच। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर आप लोग कहां पर देखने को मिलेगा, ये कनाडा में देखने को मिलेगा, यह है मॉन्ट्रियल क्यूबिक, ठीक है। तो इसके बारे में ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बनाया कब गया इसको, 1999 में, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। और हाँ, एक और बात यहां पर ये जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ताकि जो गेम है उनको साफ यहां पर रखा जा सके, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम न देखने को मिले, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के बारे में आप लोग जाकर पढ़िएगा, उसका हेडक्वार्टर कहां पे, हल्का सा आप लोग एक बार आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट यहाँ पर यूएसए के अंदर वार्निंग जारी की जा रही है एक हुरिकेन जिसका नाम एरिक। ये अभी फिलहाल यहाँ पर पहले इसको बोला जा रहा था कि एक तरीका यहाँ पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, यानी कि एक तूफान की तरीके से इसको देखा जा रहा था, पर लेकिन अब यहाँ पर ये हुरिकेन में कन्वर्ट हो चुका है पैसिफिक ओशन के अंदर। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, पूछा जाएगा किस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिला, तो यहाँ पर यूएसए वाले एरिया में पैसिफिक ओशन में देखने को मिला। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हुरिकेन यहाँ पर किसको क्या पुकारा जाता है, तो आप लोगों ने सुना होगा हमारा जो एरिया होता है बेसिकली हमारा प्यारा भारत हो गया, यहाँ पर आप लोगों को साइक्लोन देखने को मिलेंगे, जैसे फोनी साइक्लोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कई सारे साइक्लोन हैं यहाँ पर। ये साइक्लोन को ही यहाँ पर अगर आप लोग यूएसए के साथ पास में जाएंगे इसको हुरिकेन के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि वही कंडीशन उसी तरीके से जब यहाँ पर ये सिचुएशन बनती है तो उसे हुरिकेन के नाम से यहाँ पर पुकारने लगते हैं। ये यहाँ पर आप लोगों को हुरिकेन के नाम से देखने को मिलेगा। अगर जापान वाले एरिया में जाएंगे इसको टाइफून बुलाएंगे, और यहाँ पर हमारे वाले एरिया में साइक्लोन, और ऑस्ट्रेलिया के पास में जाएंगे तो यहाँ पर साइक्लोन, और लोकल एरिया में इसको विली विली के नाम से पुकारा जाता है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में याद रखिएगा। वैसे इसका नाम जो रखा गया है इसका नाम है यहां पर एरिक, ERIC, ठीक है। आगे चलता हूं, सॉरी एक मिनट, जो नेक्स्ट न्यूज है यहां पर यह है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस DARPG, इसके द्वारा एसोसिएशन किया गया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जो कि है मेघालय, किसके लिए किया गया यहां पर, यह अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, यानी कि हमारी कंट्री में नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी ई गवर्नेंस, यानी कि कैसे हमारी कंट्री में जो बेसिकली फोकस किया जाएगा ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। यानी कि जैसे मान लीजिए आप लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, कहीं जाकर मैनुअली फिल नहीं करते, आज के में सब कुछ ऑनलाइन देखने को मिलता है, फीस पेमेंट करते हैं तो वो भी ऑनलाइन देखने को मिलता है, तो ये सारा इंटरनेट का यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर किसी को पासपोर्ट चाहिए, किसी को और दूसरी जो सर्विसेज चाहिए, वो कितने इफेक्टिवली हम लोग जनता तक पहुंचा सकते हैं बिना किसी इंसान के, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के, तो ये यहां पर देखने को मिलेगी 8 से 9 अगस्त मेघालय शिलोंग के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो यहां पर ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं इस तरीके के इवेंट, फर्स्ट टाइम ये इवेंट जो है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ठीक है। थीम क्या है यहां पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, थीम है यहां पर कॉन्फ्रेंस की डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस, यानी कि सक्सेस तो हम लोग पा चुके हैं, अब एक्सीलेंस की ओर बढ़ना है, तो इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो कहां पर हो रही है, किसके द्वारा मिलकर की जा रही है, और थीम क्या है, ये कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से निकल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है सीनियर IAS ऑफिसर राजीव कुमार के बारे में। राजीव कुमार हमारी कंट्री के न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बन रहे हैं। अप्रूवल जो किया गया यहाँ पर ये कैबिनेट के द्वारा, अपॉइंटिंग कमेटी के द्वारा इसको अप्रूवल किया गया है। ये अब तक जो सर्व कर रहे थे हमारी कंट्री में, ये सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पर हमारी कंट्री में फाइनेंशियल सर्विसेज के तौर पर यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, अब फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्का सा आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन है काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फैमिली मेंबर है सागुफा, और इसी के साथ में यहां पर ये है ASDBASD, पता नहीं मतलब क्या शॉर्ट फॉर्म से इन्होंने नाम लिखा है, आंसर काफी डिटेल में इनके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो दो पर्सनैलिटी, आपका भी नाम यहां पर आ सकता है, अच्छे से आप लोग यहां पर पार्टिसिपेट कीजिए। तो यहां पर है सागुफा परवीन खान, ठीक है, तो एक कंप्लीट नाम है, और इनका मुझे पता नहीं है, जो भी है सॉरी, जो आप लोगों ने लिख रखा है वही नाम मैंने बता दिया, असली नाम क्या नहीं पता। आगे जान लेते हैं क्या क्या बातें हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात की जा रही है खेलो इंडिया के बारे में। खेलो इंडिया जो गेम है हमारी कंट्री में देखने को मिले 2018 में स्टार्ट हुए न्यू दिल्ली में, टॉप किया गया यहां पर हरियाणा के द्वारा। दूसरे जो देखने को मिले यहां पर ये पुणे में, और टॉप किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। इसी के चलते यहां पर जो नेक्स्ट होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्विज के अंदर भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्विज अभी आप लोगों का देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हम लोग अभी डिटेल में नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है सेबेस्टियन विटेल के बारे में, तो ये फरारी के रेसर है। नेक्स्ट क्लीन, यहाँ पर क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में बात की गई थी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल छठा आता है यहाँ पर, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि वर्ल्ड में कैसे वर्ल्ड को सुधार सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड अलायंस फॉर ये ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको वाबा बोला गया था, ये 1991 में इसका गठन किया गया था। अनवर फैजल यहां पर आप लोगों को फाउंडर देखने को मिलते हैं। की पर्सनैलिटी यहां पर यह है डेरिक एंड द पेट जेल्फी, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहां पर टोटल 12 सेंचुरी, अच्छा ये बिहार के बारे में है, जो कि यहां पर जो इनके बारे में बताई गई है, और वन नेशनल पार्क है ये, अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि स्टेट वाइज कई बार आप लोगों के स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनमें बातें पूछ ली जाती हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के बारे में, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, टोटल 7 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने अच्छे से आप लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। बात की जा रही है यहां पर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, तो ये जो वीक है एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, तो लगभग 120 कंट्री यहां पर इसको सेलिब्रेट करती है। आप लोगों को यहां पर यह बताना है किस किस के द्वारा, एक तो है यहां पर वाबा यानी कि वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरा है WHO, तीसरी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर यहां पर इसको सेलिब्रेट कराती है, वो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। 6th टाइम यहां पर चैंपियन मैरी कॉम, इसी के साथ में एक और पर्सनैलिटी
के द्वारा यहां पर गोल्ड जीता गया है। 23rd प्रेसिडेंट कप यहां पर बॉक्सिंग टूर्नामेंट हो रही थी, कहां पर ये आप लोगों को बताना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पंच सेंचुरी और एक और सेंचुरी के द्वारा बेस्ट मैनेजर यहां पर जो टाइगर जो हमारी कंट्री में है उसके लिए यहां पर इनको अवार्ड दिया गया, एक तरीके से ये रिकॉग्नाइज किया गया है आप लोग बोल सकते हैं। थर्ड एडिशन खेलो इंडिया गेम का कहां पर होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट में होने वाला है। हमारी कंट्री के जो स्पोर्ट मिनिस्टर है किरण रिजिजू के द्वारा ये बात अनाउंस की गई है। नेक्स्ट, हमारी कंट्री के कौन सी मिनिस्टर के द्वारा राज्यसभा में इन्फॉर्म किया गया कि ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यानी कि जो कपड़ा उद्योग हमारी कंट्री में वो लगभग वर्ल्ड का 6% है, बाकी जो 3 टॉप कंट्री हैं वो यहां पर आप लोगों को बताना है सबसे टॉप पर कौन है, दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर इंडिया है, तो ये आप लोगों को बता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर चाइना और कौन यहां पर ये अभी रिसेंटली इनके द्वारा पैक्ट साइन किया गया है एक्सक्लूसिव नेवल बेस बनाने के लिए गल्फ ऑफ थाईलैंड में, और सबसे बड़ी बात ये सीक्रेटिव पैक्ट इसको बोला जा रहा है यानी कि किसी के सामने नहीं बात आई है निकल का, तो कौन है बताइए आप लोग। सेक्शन 67B ये किस एक्ट का है जो यहां पर बात करता है पनिश करने के लिए अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि अगर बच्चों से रिलेटेड कोई सेक्चुअल मूवी बनाई जाती है और बच्चों के माइंड पर नेगेटिव इंपैक्ट डाले उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोगों को होना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसके बाद में आप लोग अपना डिटेल में इसको मैच कीजिएगा और फिर अपना स्कोर लिखेगा। एक एक कर देख लेते हैं, यहां पर ये है एक है वाबा, दूसरा है WHO और तीसरा है यूनिसेफ, तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यहां पर काम कर रही हैं जिस तरीके से वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि बच्चों को जो मां का दूध पिलाया जाता है स्टार्टिंग में उसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं यहां पर ये बात की जा रही है दो पर्सनैलिटी के बारे में, मैरी कॉम और दूसरा यहां पर सिमरनजीत कौर, ये यहां पर इंडोनेशिया में जो अभी चैंपियनशिप हो रही थी वहां पर इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए। मध्य प्रदेश की पंच सेंचुरी और केरला की प्रियार, ये काफी इंपोर्टेंट है यहां पर जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में है, टाइगर रिजर्व के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। गुवाहाटी में होने वाले आसाम में नेक्स्ट तीसरा एडिशन जो खेलो इंडिया गेम का है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है हमारी कंट्री में, ग्राउंड लेवल पर गेम को इंप्रूव करने का एक अच्छा साधन है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई कि हमारी कंट्री में 6% है अगर ग्लोबल का टेक्सटाइल ट्रेड आप लोग बात करते हैं 2007 के हिसाब से। चाइना टॉप पर है, यूएसए दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है हमारी कंट्री इंडिया। इंडिया और यूएसए में हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखते हैं कब हम लोग सेकंड नंबर पर आते हैं। कंबोडिया है वो कंट्री जिसके साथ में चाइना के द्वारा मिलकर यहां पर ये एक सीक्रेट पैक्ट साइन किया गया ताकि कंबोडिया के अंदर जो बेस है उसको यहां पर चाइना यूज कर सके। अच्छा, जो नेवल बेस है जो अभी रिसेंटली न्यूज में, उसका नाम भी आप लोग बता सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार उससे भी बन जाते हैं। 67B जो सेक्शन है यहां पर इंडियन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एक्ट जो यहां पर 2002 का, यहां पर बेसिकली बोला जाता है कि अगर बच्चों से रिलेटेड कोई पोर्नोग्राफी है तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कि आज के में मीडिया में या फिर इंटरनेट पर देखने को मिलती है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर नजर डालते हैं डिटेल में जो न्यूज है एक एक कर यहां पर उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहली जो न्यूज आ रही है आप लोगों के सामने ये है रेड मड के बारे में। रेड मड आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से लाल कलर की एक जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मिट्टी टाइप में जो कि गीली मिट्टी हो, ठीक है, तो यहां पर अभी क्या देखने को मिल रही है न्यूज में, क्यों है ये न्यूज में, इसलिए हमारी कंट्री की जो माइनिंग मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहां पर मिलकर जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड द डिजाइन सेंटर जिसको JNARDDC नागपुर में है, यहां पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहां पर है, तो वन डे टाइप की जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो ये जो है यहां पर न्यू दिल्ली में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो रेड मड का देखने को मिलता है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो बोला जा रहा है कि यहां पर वर्कशॉप है यहां पर न्यू दिल्ली में ताकि इसको इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया जा सके। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये रेड मड आती कहां से है, बॉक्साइट से जब हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं तो आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है कि एल्यूमिनियम और यहां पर एल्यूमिनियम कहां से निकाला जाता है, तो बॉक्साइट और से, तो रॉ मटेरियल बॉक्साइट होता है जिसमें से हम लोग एल्यूमिनियम हम लोग निकालते हैं, तो जो एल्यूमिनियम यहां पर वो निकल कर आता है उसके बाद में जो यहां पर जो रिमेन बच जाता है उसको रेड मड हम लोग बोलते हैं। तो ये एक तरीका सॉलिड वेस्ट होता है जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इसको, रेड मड के नाम से, रेड स्लज के नाम से, बॉक्साइट रेजिड्यू के नाम से, एल्यूमिनियम रिफाइनरी रेजिड्यू के नाम से, तो ये सारे इसी के नाम है जो कि आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर ये एनवायरनमेंट के लिए काफी बड़ा कंसर्न भी है, अगर ढंग से इसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है तो ये नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है, तो इसी में आप लोग यहां पर कास्टिक सोडा और अदर मिनरल भी देखने को मिलते हैं। ग्लोबल लेवल पर 150 मिलियन बोला जा रहा है लगभग टन ये यहां पर प्रोड्यूस होता है और हमारी कंट्री में पर ईयर अराउंड 9 मिलियन टन यहां पर ये प्रोड्यूस होता है, तो इस तरीके से यहां पर बोला जा रहा है इसको कैसे मैनेज करके चलने ताकि कोई नेगेटिव प्रॉब्लम यहां पर इसकी न देखने को मिले, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं रेड मड के बारे में जिसके बारे में एल्यूमिनियम जो प्रोड्यूस किया जाता है ये आप लोगों के सामने, ठीक है।
बाकी ड्राई ये ऐसे देखने को मिलते हैं आप लोग लगभग यहाँ पर जो बोला जा रहा है ये ड्राई बॉक्साइट रेजिड्यू में 60% सोलिड कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात की जा रही है फर्स्ट बैम्बो इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में। देखिए अगर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए किसी इंडस्ट्रियल पार्क की बात करते हैं तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर एरिया को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, अच्छे से उसमें डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको आप लोग एमडी डोनर मिनिस्ट्री के नाम से पुकारते हैं, तो इसके द्वारा यहां पर अभी रिसेंटली ये कई सारे वेरियस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। इनमें से सबसे पहली जो बात है इंपॉर्टेंट न्यूज ये है हमारी कंट्री में फर्स्ट बैम्बो इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा ताकि जो बैम्बो यानी कि जो बांस है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। और कहां पर होगा ये होगा दीमा हसाओ, कहां पर है ये आसाम के अंदर। तो लगभग 75 हेक्टेयर जो यहां पर एरिया में लगभग 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से ये पार्क बनाया जाएगा। अभी रिसेंटली इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया, आने वाले टाइम में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। कंप्लीट जो किया जाएगा बोला जा रहा है 2021 में ये कंप्लीट किया जाएगा। इसी के साथ में ये एक बात हो गई। दूसरी बहुत और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि बैम्बो पार्क ईटानगर में भी यहां पर स्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो पहले अभी यहां पर देखते हैं, पहले इसको आसाम दीमा हसाओ में इसको स्टेब्लिश किया जाएगा, फिर नेक्स्ट जो पार्क होगा यहां पर इसको बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग हल्का सा मोटा मोटा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये प्राइस कॉटन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री की जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है अभी आप लोगों को देखने को मिला कॉटन वर्ल्ड में हमारी कंट्री का 6% देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी आप लोग जो छोटी छोटी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है उनको याद रखा कीजिए, आप ये भी आप लोग उनको आंसर वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि गवर्नमेंट में प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है थोड़ा सा एक तरीके से रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि एक तरीके से कुछ बढ़ाकर प्राइस कॉटन के फार्मरों के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर फिक्स किया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको आप लोग एमएसपी बोलते हैं, एमएसपी यहाँ पर कॉटन जिसको कपास बोलते हैं हिंदी में। तो इसके लिए बोला गया कि एवरी ईयर, तो जब भी यहाँ पर ये कॉटन सीजन आएगा अक्टूबर से लेकर सितंबर तक, तब यहाँ पर आप लोगों को दो वैरायटी के लिए यहाँ पर एमएसपी फिक्स देखने को मिलेगा। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया गया एज ए नोडल एजेंसी, वो यहाँ पर ऑपरेट करेगी एमएसपी इससे रिलेटेड, खासकर स्टेट के अंदर जहां जहां पर कॉटन ग्रो की जाती है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब क्या होता है कि मिनिमम इतना प्राइस तो आप लोगों को देना ही देना है अगर पर्टिकुलर एरिया से आप लोगों को कॉटन खरीदनी है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहां पर कि कोई यहां पर एक आप लोग किताब देखने को मिल रही है और मैं बोलूं कि इसका मिनिमम प्राइस यहां पर आप लोगों को यहां पर 100 रुपए रख दिया गया है, ठीक है, तो अगर वो 100 रुपए है तो मिनिमम ये है। बाकी अगर कोई फॉरनर आ रहा है कोई लेने वाली जो उसे 150 की दे दी, ठीक है, इससे अगर कोई अच्छा अमीर आदमी आ रहा है उसको मान ली हम लोगों ने ऐसी 150 या फिर 120 की दे दी, पर लेकिन अगर कोई लग रहा है गरीब, तब कोई गरीब बच्चा है जो पढ़ना चाहता है उसको क्या किया, उसको हम लोगों ने मिनिमम बोला कि 100 रुपए से नीचे नहीं दी जाएगी। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, ठीक है, कि इतना तो लेना है क्योंकि इतनी कॉस्ट है इसकी बुक की, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कुछ भी आइडिया लगाकर थोड़ा समझ सकते हैं। आगे चलते हैं यहां पर, बाकी बोली जा रही है जो फार्मर यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए एक मोबाइल ऐप भी बोला गया है जिसको यहां पर कोट एली बोला गया है। ये मोबाइल ऐप यहां पर फार्मर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि फार्मर भी इसके बारे में एक तरीके से आइडिया रख सकें, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां पर बताइएगा, हमारी कंट्री में आप लोगों को बताने हैं कम से कम 4 राज्यों के नाम जो कि सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये गेम के बारे में है और ये काफी इंपॉर्टेंट है खासकर हमारी कंट्री की बात करें तो। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं यहाँ पर। बात की जा रही है 2020 में जो ओलंपिक होने वाला है और 2024 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उनकी तैयारी अभी से ही स्टार्ट हमारी कंट्री में कर दी गई है। हालांकि 20 की तो हो जानी चाहिए थी ऑलरेडी पहले ही, पर 24 की भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी गई है। इसके लिए क्या किया गया, 10 मेंबर की कमेटी हमारी कंट्री में बनाई गई है जो कि यहाँ पर देखेगी 2020 के और 2024 की हमारी ओलंपिक की तैयारी कैसी है। कमेटी के हेड कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है किरण रिजिजू जो हमारी कंट्री के स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, ये कमिटी के हेड हैं। तो यहां पर 10 मेंबर देखने को मिलेंगे और ये जो देखने को मिलेंगे इसमें यहां पर जो मेंबर हैं ये जो कमिटी के अंदर, तो कई सारे प्रोमिनेंट स्पोर्ट पर्सन भी है जो यहां पर कई सारे मेडलिस्ट हैं, जैसे लिएंडर पेस हो गया, गगन नारंग हो गए, तो यहां पर इनको भी कमिटी के अंदर रखा गया है प्रोमिनेंट स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी कंट्री की जो परफॉर्मेंस ओलंपिक में या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी जो भी इवेंट होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में उसमें हमें अपनी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएं, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है। तो उसी के चलते जो नेक्स्ट होने वाले हैं वो टोक्यो में होने वाले हैं 2020 में, इसके ऊपर पूरा फोकस है जापान के अंदर में, और 2024 में जो होने वाले हैं ये पेरिस यानी कि फ्रांस में होगा, यहां पर हमारा पूरा फोकस है। तो दो गेम पर पूरा फोकस है अभी रिसेंटली, टोक्यो के अंदर 2000
2020 में और पेरिस के अंदर 2024 में, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये इसके आप इसके बारे में आप लोग इसको रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में आइडिया रखेगा, ये है टोक्यो यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ पेरिस में होंगे, यहां पर होंगे 2024 में। तो डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक बात और याद रखेगा, मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर नॉर्मल ओलंपिक होते हैं वहीं पर आप लोगों को पैरा ओलंपिक, यानी कि जो भी किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि विकलांग है किसी भी तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम है उस तरीके से, तो आप लोगों को दिव्यांग बोलिए या फिर आप लोग जिस तरीके से बोल सकते हैं डिसेबल या फिर डिफरेंटली एबल, सबसे जो अच्छा शब्द यहां पर मुझे लगता है इसके लिए यह डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि ये एक तरीके से दूसरे एरिया में एबल्ड है हमारे कंपेयर में, ठीक है। तो ये वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये देखने को मिलेगा पैरा ओलंपिक भी, तो यहां पर ये भी आप लोगों को टोक्यो में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगा। हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी बात की गई है कि वंदे मातरम जो है उसको भी जनगण मन के इक्विवेलेंट यहां पर हम लोग को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जनगण मन जो हमारी कंट्री का आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री का जो नेशनल एंथम है उसी के साथ में जो वंदे मातरम में बोला गया सेंटर को इसी के इक्विवेलेंट आप लोगों को यहां पर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में यहां पर इससे रिलेटेड प्ले गई, तो यहां पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि वंदे मातरम कहां से निकल कर आया, वंदे मातरम हमारी कंट्री में ये बंगाली पोएट थे जिनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यहां पर ये नोवल था 1882 में जो लिखा गया आनंद मठ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि यहां पर जो वंदे मातरम है वो कहां से लिया गया, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम यहां पर एक तरीके से मदर को प्रेज करने की बात करते हैं, खासकर जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, मदरलैंड को प्रेज करने की, यानी कि उसके बारे में यहां पर बात करते हैं कि ये मदरलैंड है हमारी, तो यहां पर वंदे उसको हम लोग नमन करते हैं, ठीक है। तो बात जो की जा रही है यहां पर, ये नेक्स्ट जो बात की जा रही है नेशनल एंथम, ये आप लोगों को बताया रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो यहां पर स्टार्ट जो गीत गाया गया उसकी स्टार्टिंग की लाइन यहां पर ली गई है, और 1896 में यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में इसको गाया गया था। 1950 में हम लोगों ने यहां पर जो नेशनल सॉन्ग है यहां पर उसको अलग से देखा गया एज कंपेयर टू अगर हम लोग बात करें नेशनल एंथम से। और बात यहां पर यह देखने को मिली कि देखिए यहां पर जो हमारा नेशनल एंथम है उसके लिए 50 सेकंड दी जाती है, पर लेकिन अगर बात करें यहां पर ये इसके बारे में वंदे मातरम के बारे में, इसके लिए कोई ऐसी टाइम लिमिट हम लोगों ने डिसाइड नहीं की कि कैसे इसको कितने टाइम में गाना है, ठीक है। बाकी अगर बात करें अभी रिसेंटली डीएन जो यहां पर पटेल है और इसी के साथ में हरिशंकर दोनों जो जज है यहां पर दिल्ली के, इनके द्वारा यहां पर यह रिजेक्ट कर दी गई है। बोला गया यहां पर जो सारे डिसीजन यहां पर दिया गया आर्टिकल 226 हमारा संविधान का ये यहां पर यूज किया गया जो यहां पर ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और यहां पर अश्वनी कुमार उपाध्याय ये यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि दोनों को इक्वल इंपोर्टेंस आप लोगों को देनी चाहिए कि यहां पर जो वंदे मातरम है और हमारी कंट्री का जो जनगण मन हमारी कंट्री का एंथम है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में न्यूज, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया जरूर रखना चाहिए। अच्छा आप लोग से एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर हमारी कंट्री में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है ये तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का राष्ट्रगीत, ये यहां पर राष्ट्रगान इनके द्वारा लिखा गया, बाकी एक और कंट्री का राष्ट्रगान कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा यहां पर लिखा गया है, वो कंट्री कौन सी है ये आप लोग बताइएगा, ओके। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है सोलर पैनल के बारे में आ रही है, और हमारी कंट्री की न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा राज्यसभा में बताया गया है कि रूफ यानी कि छतों पर जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, तो किस तरीके से इसको बढ़ाना है, क्योंकि आप लोगों को बताया काफी अच्छा टारगेट है हमारा 2022 तक का जो टारगेट है वो 175 गीगावाट का टारगेट है, और इसमें भी इसको अलग अलग से डिवाइड कर रखा है जिसमें 100 जो यहां पर है सोलर पावर 100 गीगावाट, तो 100 गीगावाट में से अलग अलग डिविजन यहां पर देखने को मिलता है कि यहां पर लगभग आप लोगों को जो 40 गीगावाट है 2022 तक वो सोलर पावर यहां पर इंस्टॉल करनी है। तो इसी के चलते यहां पर दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में इसके लिए अलग से फोकस दिया जा रहा है, खासकर ऐसे घरों को ज्यादा अच्छे से अप्रूवल दिया जा रहा है जो अपनी छत पर सोलर पावर लगाने की बातें करते हैं। 1 गीगावाट यहां पर बोला गया 2020 तक, 2 गीगावाट 2025 तक दिल्ली में यहां पर इंस्टॉल की जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं काफी फायदा पहुंचाएगी जो यहां पर टारगेट रखा गया 2022 तक का। इसी के साथ में जो रूफ टॉप यहां पर सिस्टम है इसको ग्रिड सिस्टम से भी कनेक्ट करने की बात की जा रही है। देखिए क्या होता है अगर यहां पर ग्रिड सिस्टम से इसकी कनेक्टिविटी बना दी जाती है, आम के आम और गुठलियों के दाम होने लगते हैं, यानी कि जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है जितनी आप लोगों ने यूटिलाइज कर ली वो अच्छी बात है, जो आप लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए वो आप लोग डायरेक्ट यहां पर ग्रिड के थ्रू उसको बेच सकते हैं, यानी कि पैसा भी आप लोग डायरेक्ट कमा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी फोकस दिया जा रहा है। बाकी यहां पर अभी 4 राज्य हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और यहां पर छत्तीसगढ़ ये सामने निकल कर आए जो कि मैंडेटरी नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं
हैं, डिफरेंट कैटेगरी में जो बिल्डिंग बनाई जाएगी उन पर फोकस देकर चला जाएगा। यहां पर 1700 मेगावाट के जो ग्रिड कनेक्टिविटी की भी बात की जा रही है, इसी के साथ फोकस देकर चला जा रहा है। और नेक्स्ट जो बात की जा रही है, 1.5 मिलियन यूनिट पर मेगावाट पर ईयर जनरेट की जाएगी सोलर रूफ प्लांट से। यानी कि फोकस ये किया जा रहा है ताकि हम लोग आज के में जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो एक रिन्यूएबल एनर्जी हो। मान लीजिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचानी, ए से किसी बी पॉइंट पर पहुंचानी है, तो आप लोगों को उसके लिए खंभे लगाने पड़ेंगे, लाइन बिछानी पड़ेगी। पर लेकिन अगर छत पर ही आप लोग सोलर पैनल लगा देते हैं तो सारी झंझट खत्म हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है, ट्रांसमिशन लॉस काफी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर जब भेजा जाता है तो तार के थ्रू जाती है, वायर के थ्रू, तो उस वायर में जो लॉस होता है उसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलता है। तो ये ट्रांसमिशन लॉस भी हम लोग यहां पर बचा पाएंगे, तो ये भी एक प्रोडक्टिव बात आप लोग बोल सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है यमुना वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो हमारी कंट्री में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि खासकर इस तरीके के मैटर पर फोकस देकर चलता है, उसके द्वारा बोला गया यहां पर कि हम लोग को इसको ढंग से देखना पड़ेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि ये खासकर अगर बात करें इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर पर फोकस देकर चलता है, तो क्या क्या बातें बोली गई है। बोला यह गया कि देखिए यमुना की जो हालत है वो कहीं ना कहीं अगर आप लोग दिल्ली वाले रीजन में देखेंगे आते आते, तो एक तरीके से वो नदी की जगह नाला टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैसे इसको सेव करना है इसके बारे में फोकस दिया जा रहा है। एकेडमिशन इंस्टीट्यूशन आईआईटी दिल्ली, अगर बात करें आईआईटी बॉम्बे, इसी के साथ में WAPCO और दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलग अलग ये इंस्टीट्यूशन के नाम है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनको भी यहां पर कवर किया जा रहा है ताकि जो यहां पर ये रिवर है इसको ढंग से अच्छे से अच्छे लेवल की इसको बनाया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पज है, इसको अच्छे से रिजर्व किया जा सके और क्लीन बनाया जा सके। इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी बात याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में 2010 में पिक्चर में आया, एक स्टैच्यूटरी बॉडी यानी कि स्टैच्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है, और आर्टिकल 21 हमारी संविधान में उससे प्रेरणा लेकर इसको बनाया गया है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग यहां पर देखें, बनाया क्यों गया है, ताकि जो फास्ट ट्रैक मैटर यहां पर जल्दी से लाया जा सके। और इसको 2010 में जब बनाया गया, लोकेश्वर सिंह पटेल यहां पर फर्स्ट चेयरमैन थे, और आज की डेट में जो यहां पर चेयरमैन है वो है, चलिए आप बताइए कौन है चेयरमैन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। और अच्छी बात यहां पर यह है, अगर इसके बारे में आप लोग बात करें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 देखने को मिली, उससे यहां पर प्रेरणा ले गई। और ऑस्ट्रेलिया और यहां पर न्यूजीलैंड के बाद में हमारी कंट्री तीसरी ऐसी कंट्री है जो यहां पर इसको अपनी कंट्री में हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी कई बार आप लोगों से ये भी पूछा जाता है इसकी ब्रांच कहां कहां पर है, तो इसके बारे में अगर आप लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, बाकी इसकी कई सारी लोकल ब्रांचेज भी आप लोगों को नजर आएंगी। वो कौन सी जगह पर है, कुछ आप लोग नाम याद रखते हैं, जैसे न्यू दिल्ली हो गया प्रिंसिपल ब्रांच, इसी के साथ में भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी इसकी लोकल ब्रांच। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है यहां पर सैम मोनिक सॉ के बारे में बात की जा रही है, जो यहां पर काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी हमारी कंट्री के फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर, जिनको प्रमोट किया गया रैंक ऑफ फील्ड मार्शल के लिए। तो इनके बारे में आज हम थोड़ा सा यहां पर जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह, हमारी कंट्री में अगर बात करें आर्मी, वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है। खासकर अगर देखें इस तरीके से इंपोर्टेंस की बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जब भी आप लोग बात करते हैं अपने बॉर्डर, खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना है, तो जो भी वॉर हुई है यहां पर, जैसे कि आप लोग बात करें यहां पर वर्ल्ड वार के बाद में आप लोग देखेंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई अलग अलग टाइम पर, 1947, 1965, 1971, 1962 में चाइना के साथ में होगी, तो काफी बड़ा रोल यहां पर इनके द्वारा यहां पर प्ले किया गया है, ठीक है। तो ये जो इनका करियर रहा है लगभग 40 साल का रहा है, और लगभग 5 वॉर इनके द्वारा लड़ी गई है, तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग इनको बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए इनके बारे में, उनको यहां पर कई बार पूछ लिया जाता है कि किस पर्टिकुलर वॉर में यहां पर कोई इंक्लूड रहा है, तो ये वॉर तो आप लोग याद रखना ही रखना है, सेम बहादुर के नाम से भी इनको पुकारा जाता था। बाकी ये भी इनका लंबा सा नाम है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ में 1971 की जो वॉर थी उसमें ये हमारी कंट्री के जो चीफ भी हैं आर्मी के, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें इनके बारे में। बाकी जो आज आप लोगों को रिवीजन करना है, ये है करेंसी हमारी कंट्री में जो नई करेंसी ऐड की गई है, और उसमें क्या क्या मोटिव है, यानी कि उन करेंसी के ऊपर क्या क्या बना हुआ है और क्या क्या उनके कलर यहां पर रखे गए हैं, तो ये डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम से डायरेक्ट भी आप लोग पीडीएफ भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे रहेगा, ये काफी फायदेमंद है। डायरेक्ट अगर नोटिफिकेशन भी आप लोगों को वीडियो का नहीं मिलता है तो आप लोगों की कोई वीडियो नहीं छूटेगी, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। सबसे पहले एक क्विज आप लोगों के सामने था जो कि हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेगा, जो कि यहां पर उन्नाव रेप केस के बारे में जाना। इसके अलावा यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एक पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि हमारी कंट्री क्रिकेट पर्सनैलिटी है, उनको यहां पर अभी रिसेंटली कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया बीसीसीआई के द्वारा। इसके साथ में यहां पर एक हम लोगों ने जाना ह्यूरिकेन के बारे में, किस तरीके से कहां कहां पर क्या क्या लोकेशन है, समझी डिटेल में। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहां पर, यह बात की जा रही है पर्टिकुलर एरिया में मेघालय के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस के बारे में। नेक्स्ट जो बात देखने को मिली है, नए फाइनेंस सेक्रेटरी है, क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से आप लोगों द्वारा दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है।
नेक्स्ट यहां पर रेड मड के बारे में डिटेल में जाना। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी यहां पर ये थी फर्स्ट बैम्बो इंडस्ट्रियल पार्क, ये आप लोगों को देखने को मिला अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के अंदर। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर प्राइस कॉटन को कैसे अभी रिसेंटली यहां पर किस तरीके से एमएसपी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसानों को फायदा हो सके। ओलंपिक गेम कहां कहां पर होने वाला है, कब कब और हमारी कंट्री में क्या प्लानिंग की जा रही है वो समझा। वंदे मातरम को स्टेटस देने की बात की जा रही है, किसके इक्विवेलेंट यहां पर हमारी कंट्री में जो एंथम है नेशनल एंथम, ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट। सोलर पैनल किस तरीके से यूज करने की बात की जा रही है वो समझा। नेक्स्ट जो यहां पर इन्फॉर्मेशन है यह यमुना वाटर कंजर्वेशन, इसी के साथ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, और यह था आज का आप लोगों का रिविजन जो आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है। आइए अब जानते हैं आज के क्विज के बारे में, यहां से पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने क्वेश्चन कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर को सुना है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, और हाँ अगर आप लोग डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में वीडियो आती है आप लोगों की, ठीक है, यहाँ पर जस्ट एक रिवीजन रहता है डिटेल में, जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को मॉर्निंग में देखने को मिलते हैं एग्जैक्ट 4 AM। बात करते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री के रिसेंटली अभी एक पर्सनैलिटी को अभी यहाँ पर बीसीसीआई के द्वारा डोपिंग के वॉयलेशन के तौर पर प्रतिबंध कर दिया गया है, तो नाम बताना है। यूएसए में जो नया ह्यूरिकेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका नाम क्या है ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, इसके द्वारा मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, जो कि यहां पर जो 22वां नेशनल ई गवर्नेंस अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर आप लोगों को बताना है किसके द्वारा मिलकर यहां पर जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट डिजाइन सेंटर नागपुर के साथ में वर्कशॉप देखने को मिल रही है रेड मड से रिलेटेड। रेड मड क्या है यहां पर, जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको आप लोग डोनर भी बोलते हैं, इसके द्वारा फर्स्ट बैम्बो पार्क लगाने की बात की जा रही है किस पर्टिकुलर एरिया में। 10 मेंबर की जो चेयरमैन अभी कौन है इसमें यहां पर, जो कि ओलंपिक 2020 और 2024 में यहां पर ये इनको गाइड करने वाले हैं। इसी के साथ में वंदे मातरम के बारे में बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को बताना है कि कौन से नोवेल से यहां पर ये लिया गया है, ठीक है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये था आज का लेक्चर, अगर पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी कई सारे बच्चे देखिए सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का बटन नहीं दबाते हैं वो दबा लीजिए ताकि आप लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है, ये देखिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा तो उनका भी फायदा होगा। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, या तो आप लोग ये कर लीजिए अगर पढ़ा नहीं पा रहे तो कम से कम लेक्चर शेयर कर दीजिए, तो दोनों तरीके से आप लोग अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कराया, तब तक के लिए जय हिंद।